करनी है। नायरा मेरी बात तो सुनो। नायरा, शराब पीना किसी बात का हल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। चले जाओ यहां से प्लीज, प्लीज चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है नायरा कि तुम्हारे ये सब करने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्लीज बाहर आओ। नायरा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। पीना ही है तो इसके साथ पियो, नीड ज्यादा नुकसान करती है ना। एक काम करो, आज एक मेरे लिए भी बनाओ। ग्लास नहीं है मेरे पास, बॉटल ले लो। तुम्हें पता है यार, मुझे सूंघ के चढ़ जाती है, तुम बॉटल से पिला रहे हो। नारा, तुम मुझसे कुछ शेयर करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। आओ बाहर आओ। नायरा, ये उदासी छोड़ो और ये बताओ कि आखिर वो क्या दर्द है जो तुमने अपने मन में छुपा के रखा है। वैसे तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त कहती हो, मानती नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं फिर। विवेक, thank you.
एक तुम ही तो हो जिस पे मैं थोड़ा भरोसा कर पाई हूँ। आखिर क्या तलाश रही हो तुम? क्या क्या पाना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें नायरा, मैं जानता हूं ये हंसी ये मुस्कान उस दर्द को छुपाने के लिए है जो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं। पर तुमने देख लिया। हाँ तो दोस्त हूँ। अच्छा बताओ परेशान क्यों? कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं से भी शुरू कर दो। मुझे शादी के नाम से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे निभा भी पाऊंगी कि नहीं। खैर छोड़ो, मैं भी क्या ही लेके बैठ गई। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना नायरा, तभी तो मुझे कुछ समझ में आएगा। विवेक, कॉलेज के दिनों से ना सबसे ज्यादा भरोसा मैंने अजय पे किया। अजय मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। पहले हम दोनों दोस्त थे, फिर प्यार हुआ, फिर रिलेशनशिप में आए, और रिलेशनशिप में तो उसने मुझे शादी तक का कमिटमेंट दे दिया था। पर उसने मॉडर्निटी का इल्जाम लगा के मुझे छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड मॉडर्न चाहिए होती है, पर जब बीवी की बात आती है तो सिंपल लड़की चाहिए। विवेक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कार चलाती हूं, या मैं काम करती हूं, या मैं पैसे कमाती हूं, तो मैंने कभी अपनी लाइफ में सूट नहीं पहना होगा, या मैं कभी मंदिर नहीं गई होंगी, या मैंने कभी किसी के पैर नहीं छुए होंगे। मैं भी अंदर से उतनी ही सिंपल हूं विवेक, सब एक जैसे होते हैं। गुजरे हुए वक्त को याद करके दुखी होना, क्या यह सही है? विवेक, तुम्हें पता है ना मम्मी ने मेरी एंगेजमेंट कर दी है। तो ये तो अच्छी बात, खुशी की बात है। तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी विवेक, मेरे लिए ये डर की बात है। मुझे नहीं पता कि वो कैसा होगा, मैं इस चीज को संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी। मैं अब किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाती हूँ विवेक, और मुझे नहीं पता कि ये इंसान भरोसे लायक होगा कि नहीं होगा। देखो नारा, ये जिंदगी ना एक ट्रेन के सफर की तरह होती है, इसमें बहुत सारे स्टेशन आते हैं। कुछ ऐसे स्टेशन आते हैं जहां पर हम रुकते हैं, जहां हमें अच्छा लगता है वहां पर रुक करके माहौल का मजा लेते हैं, हम चाय की एक चुस्की ले लेते हैं, वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ खराब स्टेशन्स भी होते हैं, हम वहाँ नहीं रुकते हैं, और आखिरकार हम अपने स्टेशन पहुँच ही जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम लाइफ में निगेटिव अप्रोच लेकर के सोचना शुरू कर दें। पर मैं क्या करूँ मैं विवेक, शादी, इन लॉज, एंगेजमेंट, इन सब के नाम से ना
मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस शादी को निभा भी पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। ऑल्दो मैं चाहती हूं, मैं दिल से चाहती हूं कि अब मैं सेटल हो जाऊं। नायरा, सब सेटल हो जाएगा। और यार, भविष्य को तभी जिया जा सकता है ना जब हम उसे वर्तमान में जिए, उससे पहले नहीं। नायरा नायरा, सब एक जैसे नहीं होते। हो सकता है ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, तुम्हारी बहुत केयर करे, हमेशा ख्याल रखे तुम्हारा, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हों। असल में जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कई बार हम ही शायद उसे गलत समझ लेते हैं, पर उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। एक बात कहूं, हर एक पल को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आज हो। ये हंसी, ये सुकून, ये सारी चीजें आज में जियो। गुड, वेरी गुड। और बाकी सही समय पे सब कुछ सही हो ही जाता है, है ना? थैंक यू। शायद इसी स्मॉल टॉक की जरूरत थी मुझे। अच्छा, अब ये बताओ तुम किस पल को कैसे जियोगी? मतलब? अपने दिल पर हाथ रखो। सीरियसली? डू इट। यस, अपनी आंखें बंद करो। अब उस रोज वाली नायरा को याद करो, हमेशा हंसने वाली, मुस्कुराने वाली, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीने वाली नायरा को याद करो। कैसा लगा अब? I actually feel very light. कहां से लाते हो ये जादू टोना टोटका? बाय बर्थ है। थैंक यू मिस्टर फिलोसोफर। अब एक हग? ना। थैंक यू वाला हग था। नायरा, कभी कभी हमें अपनी लाइफ में कुछ क्रेडिट खुद को भी दे देना चाहिए, अच्छा लगेगा, छोटी छोटी खुशियों के लिए। तो फिर थैंक यू नायरा कि तुमने इस विवेक की बात सुनी। अच्छा, अभी घर चले? तुम्हारे साथ वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पर क्या थोड़ी देर और रुक जाए? सूरज बहुत खूबसूरत है, चलो थोड़ी देर देख लेते हैं।